हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ का ही चैप्टर टू ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर पढ़ेंगे। इसमें है एडिशन रेशनल नंबर, एडिशन रेशनल नंबर इसका है कंडीशन क्या है कि इस फर्स्ट में क्या है कि जो है रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, जब कोई रेशनल नंबर है जो उसका डिनोमिनेटर सेम हो तो वो क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये देखिए, क्वेश्चन वन जब सेम डिनोमिनेटर हो। तो क्वेश्चन वन है एड 3/7 एंड -10/7। ठीक, तब क्या करना है हमें, टू ऐड टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को जोड़ना है जिसका डिनोमिनेटर सेम है एंड और उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और फिर उससे जो डिवाइड द सम है, डिवाइड सम ऑफ द कॉमन न्यूमरेटर, जो कॉमन न्यूमरेटर है उससे जो डिनोमिनेटर से जो है न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है। ठीक, अब देखिए इसका कॉमन डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो कैसे ऐड करेंगे, 3/7 +-10/7, 7 3 +-10, इज इक्वल टू माइनस है यहाँ, -++-, तो क्या हुआ, 3 -10/7 मतलब -7/7, क्योंकि ये बड़ा डिजिट 10 -3 -10 जो है 3 से जो है बड़ा है, तो इसलिए जो साइन है माइनस की लगेगी, तो 7 7 7 1 7 कट गया, तो -1 आंसर हो गया। जब सेम डिनोमिनेटर हो तो इस तरह करना है कि जो भी क्वेश्चन दे, जैसे टू ऐड टू रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर एंड देयर न्यूमरेटर्स, जैसे कि सेम डिनोमिनेटर अगर दिया हुआ है तो इनका जो है एलसीएम लेके इस तरह कर देना है और फिर इनके न्यूमरेटर को ऐड करके जो उसका डिनोमिनेटर हो उससे न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू है, एड 8/45 एंड 7/-45। अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन ये माइनस लग गया, अब इसको माइनस को हमको ऊपर ले जाना है, कैसे, 7/-45, तो इसका हम क्या करेंगे, -1 नीचे -1, तो -7/ इसका कट जाएगा, तो 45, तो अब क्या हुआ, 8/45 +-7/45, नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया 45 क्योंकि सेम है दोनों का, अब यहाँ 8 हो गया और ये +-7 हो गया, 7 इज इक्वल टू 1/45, ये हो गया हमारा आंसर।
आप केस टू पढ़ते हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हो तो उसके उसको कैसे करना है। केस टू व्हेन डिनोमिनेटर टर्स आर नॉट सेम जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब वो क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन है एड 7/12 एंड 13/4। अब देखिए तो इसमें क्या करना है, इफ डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, जब उसका डिनोमिनेटर सेम ना हो देन टेक एलसीएम, हमको एलसीएम लेना है ऑफ द डिनोमिनेटर, जो दोनों डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे एंड एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विद दिस एलसीएम। तो फिर जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमें कोई एक एलसीएम मिल जाए, कोई एक डिजिट मिल जाएगा जिसको फिर हम एलसीएम लिख के और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए अब हमें 12 और 4 का एलसीएम निकालना है, 12 और 4, तो 2 से पहले करेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 1 2, अब ये तो जाएगा नहीं, 3 1 1, 3 2 6 और 6 2 12, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 12, एलसीएम हमारा क्या आ गया 12। तो द डिनोमिनेटर टर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर आर 12 एंड 4 का तो एलसीएम कितना आ रहा है, 12 एंड 4, तो इसका एलसीएम आया है 12। तो अब जब एलसीएम 12 आ गया है तो कैसे सॉल्व करना, 7/12 प्लस ऐड करना ही है प्लस 13/4, इसको कैसे करेंगे, 7/12 प्लस एलसीएम दोनों का बराबर हो गया ना नीचे ऊपर, तो ये है, प्लस 13/4। तो अब इसको हमको चेंज करना है, यहाँ भी 4 लेना है, और नहीं तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये देखिए 12 हमारा एलसीएम कितना आया, 12 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 12 का डिवाइड जब इससे करेंगे तो 1, अब 1 7 जा 7, ठीक, 4 का डिवाइड जब इससे करेंगे तो 4 3 जा 12, और 3 का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 39, तो कितना हुआ 46/12। अब इसको क्या था कि जब दोनों न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे तो उसके डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कर देंगे, देखिए 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब ये किसी से कटेगा ही नहीं, तो 2 23/6, ये क्या हो गया आंसर। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो ऐसे होगा, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो इसके पहले मैंने बताया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एड 5/4 एंड 7/3। अब देखिए इन दोनों का भी डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे 4 एंड 3 का, 2 2 4, 2 2 4 1, अब ये अब 3 से 3 2 6, 6 2 12, एलसीएम क्या हमारा आ गया 12। अब कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 5/4 प्लस 7/3, तो इसका एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 12, यहाँ 12 में 4 3 12, देखिए 4 का टेबल पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 3 12 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 5 15 प्लस 3 4 12 और 4 7 28, 3 4 12, 4 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 7 28। अब इसको माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया तो 3 और 2 ये 1, तो 13/12 हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप इसको और इजी करना चाहते हैं एक सेकेंड मेथड से, तो क्या करना पड़ेगा, 5/4 है ठीक, एलसीएम तो हमारा 12 आया ही है, और इजी अगर करना है तो हमको डिनोमिनेटर में 12 लाना है, तब क्या करेंगे हम, तो 3 का मल्टीप्लाई से 3 का मल्टी, तो 3 5 15/12 यहाँ हो जाएगा, और सेकेंड क्या दिया था 7/3, तो इसको कैसे, इसका क्या करेंगे 4 का ऊपर 4 का नीचे, तो इसमें भी 28/4, तो तब क्या, तब किस इस केस में दोनों को बस प्लस कर देना, जैसे 15/2 माइनस 15/12 प्लस 28/12, तो यहाँ बस इजली 12 लिख के माइनस 15 प्लस 28 इज इक्वल टू 13/12। दोनों मेथड ईजी है, चाहे जिस मेथड से आप कर लीजिए, दोनों ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड 5/9 माइनस 7/12 एंड 5/-3। अब देखिए अब इन तीनों कैल्शियम, तीनों को ऐड करना है, तीनों कैल्शियम लेना पड़ेगा, तीनों कैल्शियम कैसे लें, 9 12 एंड 3 ठीक। अब जो ये है माइनस को कैसे हम हटाना है हमको, तो माइनस 1 नीचे माइनस 1 ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा -5/3 ठीक। अब तीनों का एलसीएम, तो 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 1 4, यहाँ 2 2 2 2, 2 2 4, 4 3 12 और 3, तो अगर हम तो 3 3 9, 9 2 13, 6 6 36, तो हमारा एलसीएम कितना आया 36। अब देखिए 5/9 प्लस -7/12 प्लस -5/3,
अब इसका एलसीएम कितना आया, 36। कैसे सॉल्व होगा, 9 4 9 4 36, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा कितना हो गया, 4 5 20 प्लस 12 12 12 36, 3 तो 3 7 21 प्लस 3 का इससे डिवाइड करेंगे कितना आया, 12, और 12 इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, -16। तो 20 -21 -60/36। अब यहाँ पे क्या होगा कि 60 इसको इसको पहले 20 यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 8 36। अब माइनस होगा तो कितना होगा, 1 -61/36, ये हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे दिया हुआ है 1/7 + 4/28 + 3/-14। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी हमें एलसीएम लेना है, लेकिन इसमें हमें दिक्कत, अब देखिए पहले माइनस हटाएंगे, माइनस कैसे हटाना है, यहाँ आप एक कॉर्नर में 3/-14 × 1 − 3/14 हो गया। अब क्या हो, 1/7 + 4/28 और क्या हो, -3/14, मान लीजिए प्लस इसको ब्रैकेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 28 7 के टेबल में भी 28 आएगा, 14 के टेबल में भी 28 है, तो सीधा हम 28 ही इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए 7 4 28, अब 4 के इसमें मल्टीप्लाई 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस ये 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई तो ये भी 4, ये 2 बार में 14 2 28, तो -3 और मल्टीप्लाई 2, तो इसका क्योंकि 2 बार डिवाइड तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो -6। तो 4 4 8 8 - 6/28 = 2/28 1/1 14। चलिए अब आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा ऐसा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट दूसरा। अब प्रॉपर्टीज बताते, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल रेशनल नंबर, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज बताते हैं। 1 है
सॉरी वन है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक, इसमें क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल, जो दो दो रेशनल नंबर का जो सम है वो भी एक रेशनल नंबर ही है। ठीक, जैसे एग्जांपल इसमें इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे P अपॉन Q प्लस R अपॉन S, मान लीजिए ये है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब जैसे यहाँ पे एक हम दे देते 2/3 प्लस 5/2, तो ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर। अब यहाँ यहाँ पे हम करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 6 एलसीएम, 3 2 तो यहाँ 4, 2 2 3 जा तो 3 5 15, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी बताते हैं, इसी के बेस पे फिर क्वेश्चन होंगे। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कहती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ये, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है, टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, मतलब टू रेशनल नंबर एडेड इन एनी ऑर्डर, कोई भी दो रेशनल नंबर थे उसको आप चाहे जिस तरह ऐड कर दीजिए, जैसे P/Q प्लस R/S, या इस तरह कर दीजिए, या इसी को जो है R/S प्लस P/Q। जैसे एग्जांपल है 1/2 प्लस 1/5, इसको चाहे आप 5 2 10 2 5 5 प्लस चाहे इस तरह ऐड कर दीजिए इसको, चाहे 1/5 प्लस 1/2 करके, आंसर तो वही आना है। आंसर देखिए दोनों का सेम है, चाहे आप जिस मेथड से करिए। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको जिस मेथड से आपको इजी लगे उसी से आगे पीछे उस प्रॉपर्टी से आप कर लीजिए, इसलिए प्रॉपर्टी बताई गई है। जैसे थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बता, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ थ्री और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, कोई दो या दो से तीन रेशनल नंबर हो, जैसे कि a प्लस ड्यूरिंग एडिशन ऑफ थ्री और मोर
रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर इफ ए बी सी आर थ्री रेशनल नंबर रेशनल नंबर। जैसे कोई ए बी सी तीन रेशनल नंबर दिया हुआ है ग्रुप में, जैसे ड्यूरिंग एडिशन ऑफ थ्री और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, उनको जो है आप किसी भी तरह ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो से ए ए प्लस प्लस बी प्लस सी, या इस ऑर्डर में लिख सकते हो, या इसी को जो है ए प्लस बी प्लस सी, किसी भी ऑर्डर में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही बताया गया। जैसे कि एग्जांपल अगर हम एक दे देते हैं, क्या है, 3/5 प्लस ब्रैकेट में है 3/4 प्लस 2/3। अब इसको आप ऐसे जैसे ये दिया हुआ, अब इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। जैसे 3/5 दिया हुआ, ब्रैकेट वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो 3/4 = 12, 4 का डिवाइड से 4 3 = 12, तो 3 3 = 9 प्लस 3 का इससे करेंगे तो 3 4 = 12, 3 3 4 = 12, 4 2 = 8, तो माँ तो 3/5 प्लस 17/12। ठीक, अब इसको कैसे करना है, इसका एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 60 आएगा, अगर 60 आ जाएगा 60 आया, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 का इससे करेंगे तो 36 प्लस इसका 5 बार, और 5 बार इससे करेंगे तो 85, तो इसका कितना आएगा 121/60। अब इसी को अगर आप करना चाहे तो 3/5, और इसको इधर करके कर दीजिए 3/4 एक साथ, और प्लस 2/3 एक, चाहे आप जैसे जो क्वेश्चन जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन करवाते हैं इसी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कहता है, वेट 4/7 इवेलुएट 3/7 प्लस 1/3 प्लस 4/7 प्लस 2/3। अब इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को अब देखिए, इस क्वेश्चन को जैसे करना 3/7 ए, इसको इधर आगे कर लीजिए 4/7, 7 7 वाले एक साथ कर लेते हैं, और 3 3 वाले एक साथ प्लस 2/3, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। अब देखिए 7 और 3 + 4 3 ऐसे हम 1 + 2, तो 7, और ये क्या हुआ 7/7
प्लस 3/3। अगर इसको हम काट देते हैं तो इसका 1 आता है, अब इसको भी अगर काट देते हैं तो इसका भी 1, मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, 2। इसमें हमने क्या किया कि जो 7 सेम डिनोमिनेटर वाले एक साइड, सेम डिनोमिनेटर वाले एक साइड। अब क्वेश्चन 9 है, रीअरेंजिंग द रैशनल नंबर सिंप्लीफाई दिया हुआ क्वेश्चन, 3/4 प्लस माइनस प्लस 2/14। अब इसको कैसे करना है देखिए, रीअरेंज करने के देख, 3/4, अब 4 और 8 एक ही टेबल में आएंगे तो इनको एक साइड कर देते हैं। नेक्स्ट है माइनस 5/7 प्लस 2/14, ये दोनों एक ही टेबल में आएंगे। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 4 का टेबल पढ़ेगी कि 8 से ज़्यादा, 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, 8 का इससे मल्टीप्लाई करें तो 1, डिवाइड किए तो 1 आया, 1 का इससे मल्टीप्लाई किए तो 7। यहाँ एलसीएम 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, इसका इससे करें तो 1 और ये 2, 13/8 प्लस इसमें से माइनस होगा, माइनस 8/14, ये तो कट ही नहीं सकता। अब इसको अगर 13/8 माइनस 8/14 कर देते हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 56 आया, ले लीजिए आप खुद ही देख लीजिए, 8/14 तो 2 4 ज़ा 8 2 7 ज़ा 14 2 2 2 1 7 7 2 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 6 1 4 4 56, तो हमारा एलसीएम 56 आ गया। ठीक, अब 8 का इससे मल्टी 8 6 48 8 7 56, 7 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 91 माइनस 14 4 ज़ा 56, और फिर 4 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 8 ज़ा 32, तो कितना हुआ, 59/56, ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं, वैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि
verify that x plus y is equal to y plus x. इसको वेरीफाई, इसमें x क्या दिया हुआ है 3/5, अब y क्या दिया हुआ है 7/10. पहला क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, x की वैल्यू -3/4 और y की वैल्यू 5/8. चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. हम x की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस y की क्या है 7/10 इज इक्वल टू y की यहाँ क्या है 7/10 प्लस x की कितनी है 3/5. अब इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है. ठीक, देखिए 10, 5 टू जा 2, 5 टू 3 जा 6. प्लस 7, 10, 7 प्लस 5 टू जा 10, 3 13/10 इज इक्वल टू 13/10. अब सेकेंड क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस 3/ प्लस 5/8 माइनस वाई की क्या है, वाई का है 5/8 प्लस माइनस 3/4, यहाँ 8, 4 टू जा और 2 उसमें कर देंगे तो 3, 6, 5, 5 प्लस 4 टू जा माइनस 6, माइनस 1/8 इज इक्वल टू माइनस 1/8. ये देखिए हो गया. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू गेट फाइव बाई नाइन हम उसमें क्या ऐड करें कि हमको वो मिल जाए. अब देखो सॉल्व, सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू माइनस 7/3 अब देखिए और क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर इज -5/9 दिया हुआ है. ठीक है, तो सेकेंड नंबर मान लीजिए जो हमारा सेकेंड नंबर है उसको हम x मान लेते हैं. ठीक, तो देखिए -5/9 प्लस x इज इक्वल टू -7/3. ठीक है, ये हो गया. अब देखिए x के यही हम रखते हैं -7/3 -7/3 ये इधर आएगा तो +5/9. ठीक, इसके एलसीएम 9, 3 3 3 9, 3 7 21, 5 -16/9
ये हमारा क्या हो गया, सेकंड नंबर हमारा क्या था, माइनस 16 बाई 9। आप बता रहे थे सब्ट्रैक्ट, अभी तक एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या है, क्वेश्चन वन क्या कह रहा है, माइनस 2/7 एंड 5/7 और माइनस करना, तो माइनस 2/7 और देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो माइनस 5/7, तो हमें कुछ करना है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, सेम हो गया, माइनस 2 माइनस 5 क्या हुआ, माइनस बड़ा है इसका क्योंकि 5 2 से बड़ा है तो इसका माइनस लगेगा, अब 5 2 7/7 माइनस। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2/11 फ्रॉम माइनस 5/11, सॉरी गलती से एंड लिख गया था, फ्रॉम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें भी हमको एलसीएम हमारा सेम है तो 2/11 माइनस ये तो 5/11 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 तो कितना आया 11 अपॉन 7/11 सब्ट्रैक्ट भी जिस तरह अभी एडिशन हुआ था उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी होगा, जैसे इसका सिंपलीफाई दिया हुआ है, सिंपलीफाई में दिया है क्वेश्चन 1/2 + 2/8 + 1/4 दिया हुआ है तो यहाँ 8 हो गया, 2 4 + 2 4 2 = 2 तो 8/8 और ये कट गया तो कितना आ गया, एकदम इजी है। अब इसे व्हाट नंबर शुड बी एडेड, जैसे क्वेश्चन दिया है व्हाट नंबर शुड बी एडेड, -3/5 to get 1। हम इस नंबर पे क्या ऐड करें कि हमको 1 मिल जाए, ठीक है। तो हमारा जो है कि पहला नंबर क्या था, सम ऑफ नंबर 1 था, सम ऑफ नंबर क्या था हमारा 1 था, ठीक। और फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमारा था -3/5। अब सेकंड नंबर क्या है हमारा, x मान लेते हैं, ठीक है, x जब मान लिए हम तो -3/5
ठीक, ये पहला नंबर और सेकेंड नंबर x मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स को अपनी प्लेस में रखे रहते हैं, वन यहाँ यहाँ आएगा तो प्लस थ्री बाई फाइव, ये एल सी एम फाइव हो गया, फाइव वन जब फाइव प्लस थ्री तो एट बाई फाइव, ये हमारा जो सेकेंड नंबर हमारा था वो क्या था, एट बाई फाइव। सेकेंड नंबर क्या था, एट बाई फाइव। चलिए, और जिस तरह हम एडिशन में जिस जैसे सारे क्वेश्चन हुए तो उसी टाइप से सारे सब्सट्रैक्शन में होंगे। फिर हम आएंगे तो आपको अगली क्लास में जो है मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे और वेरीफाई करना, ये सारे जो है अगली क्लास में पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी होगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ का ही चैप्टर टू ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर पढ़ेंगे। इसमें है एडिशन रैशनल नंबर, एडिशन रैशनल नंबर इसका है कंडीशन क्या है कि इस फर्स्ट में क्या है कि जो है रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर, जब कोई रेशनल नंबर है जो उसका डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैसे क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन कैसे करना है, तो ये देखिए वो क्वेश्चन ऐसे। क्वेश्चन वन, जब सेम डिनोमिनेटर हो, तो क्वेश्चन वन है एड 3/7 एंड माइनस 10/7। ठीक, तब क्या करना है हमें, टू ऐड टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को जोड़ना है जिसका डिनोमिनेटर सेम है एंड और उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और फिर उससे जो डिवाइड द सम है, डिवाइड सम ऑफ द कॉमन न्यूमरेटर, जो कॉमन न्यूमरेटर है उससे जो डिनोमिनेटर से जो है न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है। ठीक, अब देखिए इसका कॉमन डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो कैसे ऐड करेंगे, 3/7 प्लस माइनस 10/7, 7/3 प्लस ब्रैकेट माइनस 10, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो क्या हुआ 3-10/7 मतलब -7/7, क्योंकि ये बड़ा डिजिट 10 -3 -10 जो है 3 से जो है बड़ा है, तो इसलिए जो साइन है माइनस की लगेगी, तो 7 कट गया तो -1 आंसर हो गया। जब सेम डिनोमिनेटर हो तो इस तरह करना है कि जो भी क्वेश्चन दे, जैसे टू ऐड टू रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर एंड दे आर न्यूमरेटर्स, जैसे कि सेम डिनोमिनेटर अगर दिया हुआ है तो इनका जो है एलसीएम लेके इस तरह कर देना है और फिर इनके न्यूमरेटर को ऐड करके जो इसका डिनोमिनेटर हो उससे न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है।
चलिए क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन टू है, एड 8/45 एंड 7/-45। अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन ये माइनस लग गया, अब इसको माइनस को हमको ऊपर ले जाना है। कैसे? 7/-45, तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई नीचे माइनस वन, तो माइनस सेवन अपन इसका कट जाएगा तो 45। तो अब क्या हुआ, 8/45 प्लस माइनस 7/45, नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया 45, क्योंकि सेम है दोनों का। अब यहाँ 8 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस 7 हो गया, 7 = 1/45, ये हो गया हमारा आंसर। अब केस टू पढ़ते हैं कि जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया हो तो उसके उसको कैसे करना है। केस टू, व्हेन डिनोमिनेटर टर्स आर नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब वो क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन है, एड 7/12 एंड 13/4। अब देखिए तो इसमें क्या करना है, इफ डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, जब उसका डिनोमिनेटर सेम ना हो देन टेक एलसीएम, हमको एलसीएम लेना है ऑफ द डिनोमिनेटर, जो दोनों डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे एंड एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विद दिस एलसीएम। तो फिर जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमें कोई एक एलसीएम मिल जाए, कोई एक डिजिट मिल जाएगा जिसको फिर हम एलसीएम लिख के और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखिए अब हमें 12 और 4 का एलसीएम निकालना है, 12 और 4, तो 2 से पहले करेंगे, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6 1, 2 अब ये तो जाएगा नहीं, 3 1 1, 3 2 6 और 6 2 12, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया 12, एलसीएम हमारा क्या आ गया 12। तो द डिनोमिनेटर टर्स ऑफ गिवन रैशनल नंबर आर 12 and 4, 12 and 4 का तो एलसीएम कितना आ रहा है, 12 and 4, तो इसका एलसीएम आया है 12। तो अब जब एलसीएम 12 आ गया है तो कैसे सॉल्व करना, 7/12 प्लस ऐड करना ही है प्लस 13/4, इसको कैसे करेंगे, 7/12 प्लस एलसीएम दोनों का बराबर हो गया ना नीचे ऊपर, तो ये है,
सेवन बाई टू प्लस 13/4। तो अब इसको हमको चेंज करना है, यहाँ भी 4 लेना है, और नहीं तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखिए 12 हमारा एलसीएम कितना आया, 12 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 12 का डिवाइड जब इससे करेंगे तो 1, अब 1 7 जा 7, ठीक। 4 का डिवाइड जब इससे करेंगे तो 4 3 जा 12, और 3 का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 39। तो कितना हुआ 46/12। अब इसको क्या था कि जब दोनों न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे तो उसके डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6। अब ये किसी से कटेगा ही नहीं, तो 223/6 ये क्या हो गया आंसर। जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो ऐसे होगा, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो इसके पहले मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एड 5/4 एंड 7/3। अब देखिए इन दोनों का भी डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, तो क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे 4 एंड 3 का, 2 2 4, 2 2 4 1, अब ये अब 3 से 3 2 6, 6 2 12, एलसीएम क्या हमारा आ गया 12। अब कैसे सॉल्व करेंगे, -5/4 प्लस 7/3, तो इसका एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 12, यहाँ 12 में 4 3 12, देखिए 4 का टेबल पढ़िए कि 12 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 3 12, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 5 15 प्लस 3 4 12, और 4 7 28, 3 4 12, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 4 7 28। अब इसको माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया तो 3, और 2 ये 1, तो 13/12 हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप इसको और इजी करना चाहते हैं एक सेकेंड मेथड से, तो क्या करना पड़ेगा, 5/4 है ठीक, एलसीएम तो हमारा 12 आया ही है, और इजी अगर करना है तो हमको डिनोमिनेटर में 12 लाना है, तब क्या करेंगे हम, तो 3 का मल्टीप्लाई से 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 5 15/12 यहाँ हो जाएगा, और सेकेंड क्या दिया था 7/3, तो इसको कैसे, इसका क्या करेंगे 4 का ऊपर 4 के नीचे, तो इसमें भी 28/4, तो तब क्या, तब इस केस में दोनों को बस प्लस कर देना, जैसे 15/2 -15/12 प्लस 28/12, तो यहाँ बस इजली 12 लिख के -15 प्लस 28 इज इक्वल टू 13/12। दोनों मेथड ईजी है, चाहे जिस मेथड से आप कर लीजिए, दोनों ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड 5/9
माइनस 7 बाई 12 एंड 5 बाई माइनस 5 बाई माइनस 3। अब देखिए, अब इन तीनों कैल्शियम, तीनों को ऐड करना है, तीनों कैल्शियम लेना पड़ेगा। तीनों कैल्शियम कैसे लें, 9, 12 एंड 3। ठीक, अब जो ये है माइनस को कैसे हम हटाना है हमको, तो माइनस 1 नीचे माइनस 1 ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 बाई 3। ठीक, अब तीनों कैल्शियम, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, यहाँ 2 2 2 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 3। तो अगर हम, तो 3 3 जा 9 9 2 जा 13 8 6 into 6 6 जा 36। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 36। अब देखिए 5 बाई 9 प्लस माइनस 7 बाई 12 प्लस माइनस 5 बाई 3। अब इसका एलसीएम कितना आया, 36। कैसे सॉल्व होगा, 9 4 जा 36, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, कितना हो गया, 4 5 जा 20 प्लस 12 1 जा 12 12 2 12 3 जा 36, 3 तो 3 7 जा 21 प्लस 3 का इससे डिवाइड करेंगे कितना आया, 12, और 12 इसको करेंगे तो कितना मिलेगा, -6। तो 20 -21 -60/36। अब यहाँ पे क्या होगा कि 60 इसको इसको पहले 20 यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 और 8 और अपॉन 36। अब माइनस होगा तो कितना होगा, 1 -61/36। ये हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे दिया हुआ है 1 बाई 7 प्लस 4 बाई 28 प्लस 3 बाई माइनस 14। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी हमें एलसीएम लेना है, लेकिन इसमें हमें दिक्कत, अब देखिए पहले माइनस हटाएंगे, माइनस कैसे हटाना है, यहाँ आप एक कॉर्नर में 3 बाई माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 बाई 14 हो गया। अब क्या हुआ, 1 बाई 7 प्लस 4 बाई 28 और क्या हुआ, -3 बाई 14, मान लीजिए प्लस, इसको ब्रैकेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 28 7 के टेबल में भी 28 आएगा, 14 के टेबल में भी 28 है, तो सीधा हम 28 ही इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए 7 4 जा 28, अब 4 के इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस ये 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई, तो ये भी 4, ये 2 बार में 14 2 जा 28, तो -3 और मल्टीप्लाई 2, तो इसका क्योंकि 2 बार डिवाइड,
तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो माइनस 6। तो 4 4 8 8 माइनस 6/28 इक्वल टू 2/28 1/1 14। चलिए अब आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट दूसरा। अब प्रॉपर्टीज बताते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल रेशनल नंबर। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज बताते हैं। वन है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक, इसमें क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल, जो दो दो रेशनल नंबर का जो सम है वो भी एक रेशनल नंबर ही है। ठीक, जैसे एग्जांपल इसमें इसमें क्या है कि जैसे एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे पी अपॉन क्यू प्लस आर अपॉन एस, मान लीजिए ये है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब जैसे यहाँ पे एक हम दे देते 2/3 प्लस 5/2, तो ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर। अब यहाँ यहाँ पे हम करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 6 6 एलसीएम, 3 2 तो यहाँ 4, 2 2 3 जा तो 3 5 15। ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी बताते हैं, इसी के बेस पे फिर क्वेश्चन होंगे। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कहती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ये, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहता है, टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, मतलब टू रेशनल नंबर एडेड इन एनी ऑर्डर, कोई भी दो रेशनल नंबर थे उसको आप चाहे जिस तरह ऐड कर दीजिए, जैसे p/q प्लस r/s, या इस तरह कर दीजिए, या इसी को जो है r/s प्लस p/q। जैसे एग्जांपल है 1/2 प्लस 1/5, इसको चाहे आप 5 2 10 2 5 5 प्लस, चाहे इस तरह ऐड कर दीजिए इसको,
चाहे 1/5 प्लस 1/2 करके, आंसर तो वही आना है। आंसर देखिए दोनों का सेम है, चाहे आप जिस मेथड से करिए। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको जिस मेथड से आपको इजी लगे उसी से आगे पीछे उस प्रॉपर्टी से आप कर लें, इसलिए प्रॉपर्टी बताई गई है। जैसे थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बता, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ थ्री और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। कोई दो या दो से तीन रेशनल नंबर हो, जैसे कि a प्लस ड्यूरिंग एडिशन ऑफ थ्री और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर इफ ए बी सी आर थ्री रेशनल नंबर। जैसे कोई ए बी सी तीन रेशनल नंबर दिया हुआ है ग्रुप में, जैसे ड्यूरिंग एडिशन ऑफ थ्री और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, उनको जो है आप किसी भी तरह ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे आप लिख सकते हो से ए ए प्लस प्लस बी प्लस सी, या इस ऑर्डर में लिख सकते हो, या इसी को जो है ए प्लस बी प्लस सी, किसी भी ऑर्डर में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही बताया गया, जैसे कि एग्जांपल अगर हम एक दे देते हैं, क्या है 3/5 प्लस ब्रैकेट में है 3/4 प्लस 2/3। अब इसको आप ऐसे जैसे ये दिया हुआ, अब इसको ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। जैसे 3/5 दिया हुआ, ब्रैकेट वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 4 12, 4 का डिवाइड से 4 3 12, तो 3 3 9 प्लस 3 का इससे करेंगे तो 3 4 12, 3 3 4 12, 4 2 8, तो माँ तो 3/5 प्लस 17/12। ठीक, अब इसको कैसे करना है, इसका एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 60 आएगा, और जो 60 आ जाएगा 60 आया, और इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 का इससे करेंगे तो 36 प्लस इसका 5 बार, और 5 बार इससे करेंगे तो 85, तो इसका कितना आएगा 120 upon 60। अब इसी को अगर आप करना चाहे तो 3/5, और इसको इधर करके कर दीजिए 3/4 एक साथ, और प्लस 2/3 एक,
चाहे आप जैसे जो क्वेश्चन जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन करवाते हैं इसी के बेस पे। क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कहता है फोर बाई सेवन इवेलुएट 3/7 प्लस 1/3 प्लस 4/7 प्लस 2/3। अब इसको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, अब देखिए इस क्वेश्चन को जैसे करना 3/7 ए इसको इधर आगे कर लीजिए 4/7 7 वाले एक साथ कर लेते हैं और 3 वाले एक साथ प्लस 2/3 क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। अब देखिए 7 और 3 प्लस 4 3 ऐसे हम 1 प्लस 2 तो 7 ये क्या हुआ 7/7 प्लस 3/3। अगर इसको हम काट देते हैं तो इसका 1 आता है, अब इसको भी अगर काट देते हैं तो इसका भी 1, मतलब आंसर हमारा क्या हो गया 2। इसमें हमने क्या किया कि जो 7 सेम डिनोमिनेटर वाले एक साइड सेम डिनोमिनेटर वाले एक साइड। अब क्वेश्चन 9 है, रीअरेंजिंग द रैशनल नंबर सिंप्लीफाई दिया हुआ क्वेश्चन 3/4 प्लस माइनस प्लस 2/14। अब इसको कैसे करना है देखिए, रीअरेंज करने के देख 3/4 अब 4 और 8 एक ही टेबल में आएंगे तो इनको एक साइड कर देते हैं। नेक्स्ट है माइनस 5/7 प्लस 2/14, ये दोनों एक ही टेबल में आएंगे। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा 8, 4 का टेबल पढ़िए कि 8 से ज़्यादा, 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, 8 का इससे मल्टीप्लाई करें तो 1, डिवाइड किए तो 1 आया, 1 का इससे मल्टीप्लाई किए तो 7। यहाँ एलसीएम 14 हो गया, 7 2 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10, इसका इससे करें तो 1 और ये 2, 13/8 प्लस इसमें से माइनस होगा माइनस 8/14, ये तो कट ही नहीं सकता। अब इसको अगर 13/8 माइनस 8/14 कर देते हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 56 आया, ले लीजिए आप खुद ही देख लीजिए 8/14।
तो टू फोर जा एट, टू सेवन जा फोर्टीन, टू टू, टू वन सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन और टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्स वन वन फोर वन फोर फिफ्टी सिक्स, तो हमारा एल सी एम 56 आ गया। ठीक, अब एट का इस्तेमाल, एट सिक्स फोर्टी एट, एट सेवन फिफ्टी सिक्स, सेवन के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 91 माइनस फोर्टीन, फोर्टीन फोर जा फोर्टीन, फोर जा फिफ्टी सिक्स, और फिर फोर का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फोर फोर एट जा 32, तो कितना हुआ 59 बाई 56। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं, वैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इसको वेरीफाई, इसमें एक्स क्या दिया हुआ है 3/5 और वाई क्या दिया हुआ है 7/10। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, x की वैल्यू -3/4 और y की वैल्यू 5/8। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, हम x की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस y की क्या है 7/10 इज इक्वल टू y की यहाँ क्या है 7/10 प्लस x की कितनी है 3/5। अब इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक, देखिए 10, 5 टू जा 2, 5 टू थ्री जा 6, 2 थ्री जा 6 प्लस 7, 10, 7 प्लस 5 टू जा 10, 3, 6, 13/10 इज इक्वल टू 13/10 हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस 3/ प्लस 5/8 माइनस y की क्या है, y का है 5/8 प्लस माइनस 3/4, यहाँ 8, 4 टू जा और 2 उसमें कर देंगे तो 3, 6, 5, 5 प्लस 4 टू जा माइनस 6, सो माइनस 1/8 इज इक्वल टू माइनस 1/8 हो गया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि What should be added? What should be added to get
एंड टू गेट 5/9 हम उसमें क्या ऐड करें कि हमको वो मिल जाए। देखो सॉल्व सम ऑफ द नंबर इज इक्वल टू -7/3 अब देखिए और क्या दिया हुआ है, 1 ऑफ द नंबर इज -5/9 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर मान लीजिए जो हमारा सेकेंड नंबर है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए -5/9 प्लस एक्स इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक्स को यही हम रखते हैं -7/3 -7/3 ये इधर आएगा तो +5/9। ठीक, इसके एलसीएम 9 3 3 3 9 3 7 21 -16/9 ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड नंबर हमारा क्या था -16/9। आप बता रहे थे सब्ट्रैक्ट, अभी तक एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, -2/7 एंड 5/7 और माइनस करना, तो -2/7 और देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो -5/7 तो हमें कुछ करना है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है, सेम हो गया -2 -5 क्या हुआ, माइनस बड़ा है इसका क्योंकि 5 2 से बड़ा है तो इसका माइनस लगेगा। अब 5 2 7/7 माइनस। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2/11 from -5/11 सॉरी गलती से एंड लिख गया था फ्रॉम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें भी हमको एलसीएम हमारा सेम है तो 2/11 माइनस ये तो 5/11 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 तो कितना है 11 अपॉन 7/11
सब्ट्रैक्ट भी जिस तरह अभी एडिशन हुआ था उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी होगा। जैसे इसका सिंपलीफाई दिया हुआ है, सिंपलीफाई में दिया है क्वेश्चन 1/2 + 2/8 + 1/4 दिया हुआ है। तो यहाँ 8 हो गया, 2 + 4 = 2, 4 + 2 = 2, तो 8/8 और ये कट गया तो कितना आ गया, एकदम इजी है। अब जैसे व्हाट नंबर शुड बी एडेड, जैसे क्वेश्चन दिया है व्हाट नंबर शुड बी एडेड -3/5 टू गेट 1। हम इस नंबर पे क्या ऐड करें कि हमको 1 मिल जाए, ठीक है। तो हमारा जो है कि पहला नंबर क्या था, सम ऑफ नंबर 1 था, सम ऑफ नंबर क्या था हमारा 1 था, ठीक। और फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर हमारा था -3/5। अब सेकंड नंबर क्या है हमारा, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स जब मान लिए हम तो -3/5, ठीक। ये पहला नंबर और सेकंड नंबर एक्स मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स को अपनी ही प्लेस में रखे रहते हैं, 1 यहाँ, ये यहाँ आएगा तो +3/5 एलसीएम 5 हो गया, 5 × 5 + 3 तो 8/5। ये हमारा जो सेकेंड नंबर हमारा था वो क्या था, 8/5। सेकेंड नंबर क्या था, 8/5। चलिए, और जिस तरह हम एडिशन में जैसे सारे क्वेश्चन हुए तो उसी टाइप से सारे सब्ट्रैक्शन में होंगे। फिर हम आएंगे तो आपको अगली क्लास में जो है मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे और वेरीफाई करना, ये सारे जो है अगली क्लास में पढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी होगी। थैंक यू।